काफ़ी टाइम से मैं डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस में काम कर रहा हूँ एंड मैं अच्छी खासी इनकम जनरेट करता हूँ। एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, करने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, देन यू गाइस कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये भी आप चेक कर सकते हो एंड मुझे टेक्स्ट करिए, आगे की इन्फॉर्मेशन लीजिए। लास्ट एपिसोड में साउची बे ने हमला कर दिया है मोंके को बचाने के लिए, अगर आपने देखा होगा। एंड जो हमारे गुप्तुक भाई हैं वो जेल में बंद है, उनको को बचाने ओस्मान बे जा रहे हैं। अभी आगे देखना है कि आगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हाँ। आगे के जो सीन्स होने वाले हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग। दो तीन ऐसी स्टोरीज चल रही हैं बीच में हाँ। ये ड्रामा के जो इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। आज भी तीन एपिसोड आएंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फिलातियोस और वो दोनों आ रहे, और इधर ये भाई हमारा जेल में, आने से पहले इसको बचा लेगा अपने को। क्या बोलते हैं बीडू लोग? उस्मान पे मजा आई है। रुक जाओ, कौन हो तुम? उस्मान भाई आ गए बचाने को। सिपाही हो? कौन हो तुम? छोड़ दो इन सिपाहियों को, बताओ मुझे कौन हो तुम? हे गुप्तु भाई, अपना चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम? He's back. मेरे बहादुर, बचाने को चलो फाइनली। अब दोनों बात खासी, माशाल्लाह मेरे बहादुर जवान। उसे छुटकारा पाने तक उस्मान साहब तुम्हें छुपा कर रखेंगे। वो तो ठीक है अब्दुर्रहमान गाजी, लेकिन मैं यहां अर्दौल साहब के हुक्म पर हूं। कुछ भी हो जाए मैं यहां से नहीं जा सकता। मेरे शेर, मैंने कब कभी अर्दौल साहब की नाफरमानी की है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो क्या इसके पीछे समझ रहे हो? ये लो, और किसी के तवज्जे में आए बगैर सुकून से निकल जाओ। तो भाई गेम खेल रहे ना बीड़ू। चलो, ऐसे थोड़ी अपने सिपाही को मरने को छोड़े। शाबाश मेरे शेर। बट उस्मान भाई को क्या कैसे पता चलेगा ये देखो। देखो याद है सीजन 5 इर्तुरुल गाजी में वो यहाँ से जब आते थे इर्तुरुल भाई, भाई क्या मस्त लगते थे। वो वीडियो मस्त थी ना सीजन 3 की। सीजन 5 सीजन 5 की भी और 3 का भी बहुत अच्छा था। वो टोपी पहन के आते थे ना अर्तुरुल भाई भाई घोड़े पे चार लगते थे। हंस रहा है देख को। क्या सच है जो मैंने सुना है? जब हमें लगा कि कुछ नहीं होने वाला तभी सारी परेशानियां आन पड़ी हैं। अर्तुरुल साहब को मुश्किल में डाल दिया है गुप्तुक ने। उस्मान काफी ना था इसके लिए। अर्तुरुल साहब जरूर कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे गुप्तुक को कुछ ना हो। बड़े यकीन से कह रही हो ये बात तुम,
गजल खातून ठीक कह रही है बाला, समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है। गुप्तु के गैर मुसल्ला शख्स को नहीं मार सकता। अगर तुम्हारी बात सच भी हुई तो अर्तुरुल साहब ने निकोला के साथ मुआहिदा तय किया हुआ है, इसलिए वो मुआहिदे पर अमल जरूर करेंगे। सजाए मौत पाने वाला उस्मान साहब का साथी है गजल खातून, ये कैसे हो सकता है। गुप्तुक तो क्या, उस्मान भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल साहब अपने मुआहिदे से दस्तखत क्या मालूम अर्तुरुल भाई के बारे में। अरसलान की बहन है वो गद्दार अरसलान। वो रहा मोंके, समझ रहे हो, मतलब मोंके जिंदा था भाई, पर इसको कैसे तो मारा तो था यार, ऐसे क्यों कर रहे हो यार, पर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है अभी। हाँ ना मारा था। ये कौन है? अब्बू आ गए हैं। हाँ भाई, इट वाज इजी भाई, बहुत इजी। ओए देखो आंखें अखियां दिखा रहा है। डिंजर मारता साहब छिबे, मैं ज्ञातों के पास लेकर जाऊंगा तुम्हें। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तुर्क? तुम्हारी जान बचाने के लिए नहीं, जिंदगी के लिए लड़ो। क्या ये सब सच है धुंधार साहब? क्या? हाँ ये बात सच है कि गोगतुक तुम्हारे एक सिपाही से लड़ा है, यहां तक के वो एक दूसरे को कत्ल करने की हद तक चले गए, लेकिन मेरा फौजी मारा गया और इसके नताइज आपको भुगतने होंगे तुंदार साहब। ये जानबूझकर नहीं किया, सिर्फ एक हादसा है निकोला, ये जान लो। क्या बात हुई थी हमारी? आंख के बदले आंख। उम्मीद है कि आप वादा खिलाफी नहीं करेंगे। अर्तुरुल साहब कहां है? वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाके मिल लो उनसे। क्या करेगा अभी यार, बहुत दिमाग की दही हो रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा। ए, ये क्या कर रहा है, ये कहां पे आया है? उस्मान अपने घोड़े पर शुमाल की जानिब जा रहा है, जैसा मैं चाहता था। क्या उसके सिपाही साथ है? नहीं, वो अकेला है। हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका है उस्मान साहब, चलो। उस्मान को मारने को जा रहे, तुमको लगता है उस्मान भाई को मारना इजी है? इजी बेवकूफ। मैं आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। एनागोल के तैकफूर निकोला आए हैं। आने दो। जब कभी मैं आपसे कोई मुआहिदा करता हूं, मुझे नुकसान होता है अर्तुरुल साहब। रो मत फिर। जो हुआ मैंने सुना है निकोला, अफसोस हुआ आपको सुकून मिले। आपके अहकामात ना मानने वाले सिपाही ने मेरे निहत्ते और मासूम सिपाही को मार डाला। मासूम? अर्तुरुल साहब, मेरे सिपाही गुस्से में
बदला लेना चाहते हैं और इसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर मेरे सिपाही से हिसाब चुकता न किया तो तुम्हारे सिपाहियों की नजर में तुम्हारी साख खत्म हो जाएगी ना। बिल्कुल ठीक, और इस बार मैं आपको ऐसा करने हरगिज नहीं दूंगा। अगर आज अर्तुरुल साहब, अगर आज मैंने सूद के वस्त में सजाए मौत ना दी थी तो जान लें कि आप एक नहीं बल्कि दो महाजों पर लड़ेंगे। अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। गोकतूक सिपाही जिंदान से फरार हो गया है। ये किस किस्म का खेल खेल रहे हैं अर्तुल साहब? किस किस्म का एक्सप्रेशन देखना, क्या डेंजर है। घोड़े को मारा, घोड़ा बेचारा था। घोड़े को मारा सच में? रिएक्शन ऑन कुरलोस आसमान सीजन 2 एपिसोड नंबर 19। एंड क्या जबरदस्त था यार, सच में उस्मान भाई को तीर मार के गिरा दिया। फिलातियोस ने उस्मान भाई को घेरे में ले लिया, उधर एट्रल भाई ने शिकस्त दे दी निकोला को, क्योंकि गुप्तुक भाई भाग चुके हैं वहाँ से। उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई, विच इज जो साफची बे हैं वो उसको बचा रही हैं मंगोल के बेटे को, भाई साहब मुंक्या को। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।